दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों की मैरिट लिस्ट बनाई जाती है, क्या होती है आखिर मैरिट लिस्ट, कट ऑफ लिस्ट क्या होती है, और कैसे आप लोगों को किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिलता है इनको देखकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस समय कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स इसमें बहुत चल रहे हैं, तो बहुत बच्चों का ये सवाल रहता है, बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि आखिर ये मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाती है, भाई कोई हमें कुछ समझा दे। तो आपका भाई आया है आज आपको समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे दोस्तों तो आखिरी में लाइक दे के जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग आगे अब वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर मेरिट लिस्ट होती क्या है। दोस्तों मेरिट लिस्ट को हम लोग सिंपल टर्म्स में कट ऑफ लिस्ट भी बोलते हैं, और ये लिस्ट वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बनाते हैं जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती हैं और नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस ज़्यादा होते हैं। इन सिंपल टर्म्स, जहां पर बच्चों ने अप्लाई ज़्यादा किया होता है और जो कॉलेज में एक यूनिवर्सिटी की सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, कम होती हैं रजिस्ट्रेशन से, तो किन बच्चों को एडमिशन देना है उनमें से, उसमें हम लोग को ऑप्ट करने के लिए जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसमें से इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, या अकॉर्डिंग टू मेरिट आपके क्लास 12th एग्ज़ाम के मार्क्स देखकर हम लोग को एडमिशन्स देती है, क्योंकि सीट्स कम हैं रजिस्ट्रेशंस ज़्यादा हैं, तो उसमें से जो सबसे बेस्ट बच्चे हैं वो कॉलेज उसमें से ऑप्ट करता है कि किसको एडमिशन देना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनाई जाती है, कैसे बनती है और कैसे एडमिशन मिलता है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये मेरिट लिस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैसे बनाती हैं। तो एग्ज़ाम्पल के रूप में हम लोग ये ले लेते हैं कि समझ लीजिए कि एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जो कि किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशंस करवा रही है। तो स्पेसिफिक कोर्सेज का एग्जांपल ले लेते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये हम लोग के स्पेसिफिक कोर्सेज हो गए। ये समझ लीजिए बीएससी के लिए 500 सीट्स कॉलेज में हैं, और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई हैं, रजिस्ट्रेशंस आए हैं, अगर 500 सीट्स हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ गई हैं कम से कम 1000, तो उसमें ऑप्ट करने के लिए जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगा इंट्रेंस एग्ज़ाम या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा कि उन बच्चों को ही एडमिशन दिया जाए जिन जो बच्चे हम लोग के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लें। तो वो एक इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी, और एक मेरिट लिस्ट बनाएगा दोस्तों, और उस मेरिट लिस्ट में उन बच्चों के सारे बच्चों के नाम होंगे जिन लोगों ने भी वो इंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज, मीन्स मैक्सिमम परसेंटेज से लेकर लोएस्ट परसेंटेज तक जितने बच्चे होंगे उनकी रैंक भी लिखी होगी। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि 500 सीट्स थी और 1000 लोगों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो जो टॉप के 500 बच्चे होंगे उन्हीं बच्चों को सबसे पहले क्वालिफाई, एक चार पांच लिस्ट निकलेंगी, उसमें से एक लिस्ट होगी क्वालिफाइंग लिस्ट और 3 से 4 लिस्टें होंगी वेटिंग लिस्ट। अब मैं बताऊंगा ये वेटिंग लिस्ट क्या होती है वही बताऊंगा, लेकिन जो पहले टॉप के 500 बच्चे थे, क्योंकि सिर्फ 500 सीट्स थी कॉलेज में और 1000 बच्चे थे, तो सबसे जो टॉप के 500 बच्चे थे उन्हीं को लिया जाएगा। ऑफकोर्स क्योंकि सिर्फ 500 सीट्स हैं तो जो टॉप के अच्छे बच्चे होंगे उन्हीं को लिया जाएगा पहले। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कैसे मेरिट लिस्ट को बनाया जाता, कैसे एडमिशन कॉलेज यूनिवर्सिटी दिया जाता है। तो मैंने कहा था कि 3 से 4 लिस्टें होती हैं, एक तो मैंने बता दी क्वालिफाइंग लिस्ट होती है, क्वालिफाइंग लिस्ट में सिर्फ वही बच्चे आ पाते हैं जो लोग टॉप 500 में आ पाएंगे, क्योंकि टॉप 500 जितनी भी सीट्स कोई भी कोर्स दे रहा है अगर उतने तक जो रैंक के बच्चे होंगे उन्हीं को सिर्फ क्वालिफाइंग वाले लिस्ट में लिया जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट में कौन बच्चे होंगे, वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों को रखा जाएगा अगर ऐसा होता है कि जो क्वालिफाइंग जो टॉप 500 बच्चे, एग्जांपल में जो मैंने बताया था कि जो टॉप 500 बच्चों में समझ लीजिए किसी बच्चे ने आया ही नहीं काउंसलिंग के दिन, तो फिर हम लोग उसमें जो कंसिडर करेंगे वो जो टॉप के जो मेरिट लिस्ट वाले बच्चे होंगे, उसके वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। तो उनमें से कोई बच्चा अगर चाहे तो फिर उसमें एडमिशन ले सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है, इस हिसाब से दोस्तों कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत सिंपली तरह के तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर कैसे मेरिट लिस्ट बनती है और कैसे एडमिशन्स कॉलेज में होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ, बाय।